दोस्तों एक बहुत बड़ी गलत फहमी आप सबके दिमाग में ये डाल दी गई है, अगर जब दो चाहने वाले जब एक दूसरे से अलग होते हैं, जब उनका ब्रेकअप होता है तो लड़की पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है, क्योंकि वो पीट पीट के रोती है और जगह जगह पर रोती है और छोटी छोटी बातों से भी उनका अचानक मूड खराब हो जाता है। दोस्तों वक्त एक ऐसी चीज है जो गहरे से गहरे जख्म को भी मिटा देता है, लेकिन वो लड़कियां ही होती हैं जो पूरे तरीके से सही हो पाती हैं ब्रेकअप के बाद। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारा विज्ञान कहता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लड़कियां शायद मुझसे नफरत भी करने लग जाएं, पर हमारे सख्त लोंडे कहेंगे वाह यार हमारा दर्द सुनने के लिए भी कोई आया। आई एम सॉरी गर्ल्स, आज मैं जो भी कहूंगा ये साइंस कहती है, मैं नहीं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जाए शुरू। बात करते हैं ब्रेकअप की। एवोल्यूशनरी बिहेवियर साइंस में पब्लिश होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक रिसर्चर्स को यह पता चला कि ब्रेकअप होने के बाद औरतें मर्दों से ज्यादा इमोशनली पेन यानी भावनात्मक रूप से दर्द ज्यादा महसूस करती हैं, पर लड़कियां वक्त के साथ साथ रिकवर भी हो जाती हैं। अगर मर्दों की बात की जाए तो शुरू में तो मर्द इमोशनली वो क्या कहते हैं ना पेन कम महसूस करते हैं, पर मर्दों का वही दर्द जिंदगी के आखिरी पलों तक भी उनका साथ नहीं छोड़ता और कई बार तो ये पेन हद से ज्यादा भी बढ़ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 56,000 लोगों को लिया गया जिनका ब्रेकअप हुआ था और उनसे पूछा गया कि आप अपने ब्रेकअप के एक्सपीरियंस को बताइए। उन्हें एक मेथड बताया गया जिसमें उन्हें इमोशनल और फिजिकल पेन को 1 से लेकर 10 के बीच स्केल करना था, जिसमें 1 का मतलब था कुछ भी नहीं और 10 का मतलब था बहुत ज्यादा दर्द। और आंकड़ों के बाद जो नतीजा आया उसको देखकर सभी हैरान रह गए। जो औरतें रिसेंट ब्रेकअप को फेस करके गुजरी थी उन्होंने ज्यादा पेन रिपोर्ट किया और सभी औरतों को यह भी कहा गया कि आप अपनी फीलिंग्स को कोई नाम दीजिए। तो ज्यादातर औरतों ने अपनी फीलिंग्स का नाम बताया डिप्रेशन, डर, बेचैनी, जबकि मर्दों ने अकेलापन, किसी चीज पर फोकस नहीं रहना और गुस्सा बताया। एक सर्वे के मुताबिक एक शख्स के 3 ब्रेकअप होते हैं जब तक वो 30 की उम्र तक पहुंचता है और उन 3 ब्रेकअप में से कोई ना कोई ऐसा ब्रेकअप तो होता ही है जो उसकी पर्सनैलिटी को सालों तक खराब कर देता है, हिला के रख देता है। एक स्टडी में रिपोर्ट किया गया है कि औरतें मर्दों के मुकाबले ज्यादा रिश्तों को महत्व देती हैं। एक छोटा सा रिश्ता भी औरतों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर देता है, पर ब्रेकअप की वजह से औरतें मर्दों के मुकाबले ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन उन्हें तकलीफ कम समय तक ही होती है और रिकवर होने के लिए वो अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा रहती है जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाती हैं। और दूसरी तरफ मर्दों की बात करें तो मुझे देवदास याद आ रहा है। दोस्तों शुरू में तो मर्द अपने पार्टनर से बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं, पर कुछ समय बाद ही वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये डिप्रेशन महीनों नहीं बल्कि सालों तक रह सकती है। और मर्दों को नया साथी मिलने के बाद भी वो पुरानी यादें नहीं भुला पाते और ये भी देखा गया है कि ब्रेकअप होने के बाद मर्द अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ले आते हैं, जैसे कि वो जॉब छोड़ देते हैं, नशे करने लग जाते हैं और पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, या फिर अपने इमोशनल पेन को कम करने के लिए एक नया पार्टनर ढूंढते हैं। कभी कभी वो फैसला उनका गलत भी हो सकता है। न्यूरोफिजियोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे लोगों को लिया जिनका ब्रेकअप हुआ था और जब रिसर्चर्स ने उनका ब्रेन स्कैन किया जिनका ब्रेकअप अभी अभी हुआ था तो पता चला कि उनका ब्रेन वैसा ही था जैसा एक नशे करने वाले इंसान का होता है। उनके ब्रेन के उन स्पोर्ट्स पर एक्टिविटी थी जो कि कोकीन और गांजा से होती है और कुछ स्पोर्ट्स तो पेन से रिलेटेड भी थे, जिससे यह पता चलता है कि ब्रेकअप के बाद सभी हार जाते हैं, जीत किसी की नहीं होती। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने एक स्टडी के दौरान यह पता लगाया कि खराब वक्त को झेलने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रोथ को रिपोर्ट किया, मतलब उनकी तरक्की हो गई। इसका मतलब तो यही निकला बादाम खाने से नहीं धक्के खाने से अकल आती है। अगर आप ब्रेकअप करना चाहते हैं तो साइंस के मुताबिक ब्रेकअप करने का सही तरीका है इंसान अपने आप में खुद झांक के देखे कि उसके लिए क्या सही है। लड़ झगड़ के ब्रेकअप करना शुरू में तो लगता है भाई चक दिए फटे बहुत अच्छा किया, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। एक स्टडी में यह पता चला है कि ब्रेकअप को ओवरकम करने में यानी कि उससे दर्द से छुटकारा पाने में करीब 3 महीने लगते हैं। ब्रेकअप को रिकवर करने के लिए फैमिली के साथ टाइम बिताना, टीवी के सामने बैठकर बार बार रोना और बहुत सारा खाना खाना ये एक बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि उस वक्त आप गुजर रहे होते हैं जज्बाती दौर से। पर ये सब स्टेप्स औरतों पर ज्यादा असर करते हैं और अगर मर्दों की बात करें तो मर्द ज्यादा दर्द सहते हैं और ये भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी वो दर्द उनके साथ रहे, कुछ तो जिंदगी भर भी नहीं भूल पाते। चलो कम से कम लड़कियां तो रिकवर हो ही जाती हैं, पर मर्दों को काफी टाइम लग जाता है। ब्रेकअप होने की सबसे बड़ी वजह यह है रिश्तों में ट्रस्ट, विश्वास ना होना। तो यार ट्रस्ट बनाए रखो, किसी का भी ट्रस्ट मत तोड़ो, क्योंकि वो भी उसी मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से आप बने हो।
अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लग जाएं, तो समझ लीजिए सूरज ढलने वाला है। जिंदगी में आप जो भी अच्छे से अच्छा लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें तक भी ले जाती है। इस वीडियो का मैंने पब्लिक डिमांड आप सभी के कहने पर ही बनाया है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो दिल और दिमाग को साथ रख के दौड़ाता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने बाबू को शेयर कर देना। आज मैं कोई भी लाइक एम नहीं रखने वाला हूं। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वो अपने आप उसका हाथ लाइक वाले बटन पर ठुक जाएगा, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और अगर ये वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तो नीचे देखो कहीं पर आपको यहीं कहीं देख जाएगा नीचे इंस्टाग्राम का लिंक, जाओ क्लिक करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। तो फिर से जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बिना गाली दिए ओके बाय।